नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। दूसरे दिन राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच हुई तल्खी बुधवार को खत्म हो गई। खुद मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पहल की और बीजेपी एमएलए संजय सरावगी को मनाने पहुंच गए। खुशनुमा माहौल के बीच शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला किया। इसके साथ ही जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि जातीय जनगणना सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि देश हित का मुद्दा है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर इस पर पहल करते हैं या तेजस्वी की बात मानते हैं तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार से हाथ भी मिला लेंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना देश हित में है। हम सीएम को फिर से पत्र लिखकर राज्य सरकार के खर्चे पर खुद जातीय जनगणना कराने की मांग करेंगे। शीतकालीन सत्र के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजद विधायक तेजस्वी यादव ने कहा कि विधान परिषद और विधानसभा में जातीय जनगणना का प्रस्ताव लाया गया था जिसे सर्वसम्मति से पास भी किया गया। सीएम नीतीश के सामने हमने प्रस्ताव रखा कि इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। सीएम के साथ हम लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात करने भी गए। इसी बीच मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित तौर पर संसद में कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने उपचुनाव के बाद इस मुद्दे पर पहल करने की बात कही थी लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश इसके पक्ष में है, ऐसे में उन्हें अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए जाने के लिए हम पत्र लिखेंगे। जातिगत जनगणना से केवल बिहार का फायदा नहीं है बल्कि ये देश हित में है। नेता प्रतिपक्ष का पत्र सीएम को न मिलने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मेरा और नीतीश जी का घर तो अगल बगल है। वैसे भी मैं सीएम को पत्र लिखकर ट्विटर पर टैग करता हूं। अब सीएम को नहीं मिल रहा है तो उन्हें थोड़ा अपडेट होना चाहिए। बहरहाल तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। आपको पता है और आपको ये याद भी होगा कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विधानसभा में ही मुलाकात भी कर चुके हैं। अब इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद और केंद्र सरकार से मनाही के बाद क्या बिहार में राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराएगी या फिर नहीं कराएगी, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि वो एक बार फिर से नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे और इस मामले पर उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे। हालांकि नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ हैं। उन्होंने भी अपनी बात इससे पहले कई बार साफ कही है कि जातिगत जनगणना बिहार में होनी चाहिए। अब ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहे हैं। बिहार में इन दोनों का साथ जो है जातिगत जनगणना को लेकर कितना फायदेमंद होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में जातिगत जनगणना क्या नीतीश कुमार राज्य सरकार के खर्चे पर कराएंगे, ये इंतजार का विषय है। और इसी सवाल का जवाब न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि बिहार की जनता भी ढूंढ रही है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।